आज हमारे पास है एक बहुत ही कमाल का जूसर मिक्सर ग्राइंडर। ये है Havells Stylus 4 jar 500 watt जूसर मिक्सर ग्राइंडर। सबसे पहले यहाँ एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है, इसके अंदर सारी डिटेल दी गई है। इस प्रोडक्ट पर हमें पूरे 2 साल की वारंटी मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पर एक पुशर दिया गया है, इससे हम फ्रूट को अंदर पुश कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जूसर मिक्सर ग्राइंडर 3 जार के साथ आता है। पहला जार है ब्लेंडिंग जार, इससे आप जूस भी निकाल सकते हैं, ब्लेंडिंग भी कर सकते हैं। 1.5 लीटर इसकी कैपेसिटी है। इसके अलावा यहाँ पर हमें मिलता है दूसरा जो जार है, ये है 1 लीटर का वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग जार। पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। स्टेनलेस स्टील का ब्लेड यहाँ दिया गया है, नीचे का पोर्शन प्लास्टिक का है। इसके अलावा प्लास्टिक का कपलर यहाँ पर दिया गया है। और इसी तरह का यहाँ पर 400 ml का चटनी जार भी हमें मिल जाता है, सेम क्वालिटी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट का कलर कॉम्बिनेशन, डिजाइन काफी अच्छा है। 500 वॉट का जूसर मिक्सर ग्राइंडर है। यहाँ पर 3 स्पीड कंट्रोल नॉब दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर हमें पल्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब हम अगर बात करें यहाँ पर जो आप इसकी बॉडी देख रहे हो, प्लास्टिक से बनी हुई है और जो प्लग दिया गया है 2-पिन प्लग यहाँ पर दिया गया है। इसकी क्वालिटी भी ठीक ठाक है। इसका जो फीडिंग ट्यूब है, इसका साइज भी काफ़ी ठीक ठाक है। यहाँ पर दोनों साइड इस तरह से लॉक दिए गए हैं। इन लॉक्स को आप अनलॉक कर लीजिए। इस तरह से इसे हटाकर हम अनलॉक इसे कर सकते हैं। और इसका जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन है ऊपर का, ये अलग हो जाएगा। इसे मैं हटा देता हूँ और इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह का एक कटर और ब्लेड दिया गया है। इससे आप एप्पल है, गाजर है, इस तरह के फ्रूट और वेजिटेबल का जूस बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत बड़ा पल्प जार यहाँ दिया गया है, यानी जो पल्प है यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। इसके अंदर 2 किलो पल्प आप इकट्ठा कर सकते हो। काफ़ी बड़ा यहाँ पर पल्प कंटेनर दिया गया है। और इस पोर्शन को भी हम इस तरह से अलग कर सकते हैं। और जब भी आपको अपने जूसर मिक्सर ग्राइंडर को मिक्सर ग्राइंडर की तरह यूज़ करना हो, तो यहाँ पर सिंपल आप इसे कर सकते हो। जो सर्विंग जार है, यहाँ पर इस तरह का सर्विंग जार दिया गया है, यानी आप डायरेक्ट इससे सर्व कर सकते हो। जो जूसेस हैं वो आप डायरेक्ट इससे सर्व कर सकते हो। तो ये इसका 4th जार है। अब अगर मान लीजिए आपको ग्राइंडिंग वगैरह करनी है, मिक्सर ग्राइंडर की तरह से यूज़ करना है, तो आप इस तरह से यहाँ पर कोई भी जार लगाकर आप इसके अंदर ग्राइंडिंग कर सकते हो, चटनी वगैरह बना सकते हो। और अगर आपको जूसिंग करनी है तो आप जूसिंग वाली यूनिट लगा के कर सकते हो। नीचे की साइड आप देख सकते हो यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए कूलिंग वेंट्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसके अंदर ऑटो कट दिया गया है, यानी ओवरहीट प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन भी इसके अंदर मिल जाता है। और यहाँ पर रीसेट का एक बटन दिया गया है। अगर ये बंद हो जाए तब आप यहाँ से रीसेट करके इसको फिर से ऑन कर सकते हो। साथ ही साथ हम बात करें इसकी, चारों जो लेग हैं यहाँ पर वैक्यूम कप दिए गए हैं। और ये जो वैक्यूम कप है, इससे आपका जो मिक्सर ग्राइंडर है ये आपके स्लैब पर इधर उधर खिसकेगा नहीं, पूरी तरह से स्टेबल रहेगा। मैं लेता हूँ साबुत धनिया और साबुत धनिया हम इसके अंदर ग्राइंड करके देखेंगे और इसकी आवाज़ चेक करेंगे कैसी इसकी आवाज़ है। तो धनिया मैंने ले लिया है। इसके लिड को प्रॉपरली बंद कर देते हैं और अब हम करेंगे इसे ऑन। और यहाँ पर आप देख रहे हो पावर इंडिकेटर भी दिया गया है। ऑन करते हैं, 1 नंबर पर मैं इसे कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पर धनिए को इसने काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्राइंड कर दिया है। तो अब मैंने बहुत सारे एप्पल यहाँ पर काट लिए हैं और एप्पल का जूस भी मैं निकाल के देखने वाला हूँ कि एप्पल का जूस ये कैसा निकालता है। ओके, तो इसे हम कर देते हैं 1 पर इसके अंदर। अब देखते हैं भैया एप्पल का इसने क्या हाल किया है। बाहर निकालते हैं। ओहो, इसने तो भैया एप्पल का जूस भी निकाल दिया भाई।
ये दो, ये देखो, बिल्कुल भी इसके अंदर कोई पल्प वगैरह नहीं है। एप्पल का जूस बिल्कुल इसने क्लियर क्लियर जूस निकाल दिया है भाई, बहुत अच्छी तरीके से एप्पल का जूस इसने निकाला है, शानदार जानदार बहुत अच्छा। तो हेवल्स का ये जूसर मिक्सर ग्राइंडर मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। आप देख सकते हो इसका पल्प बिल्कुल सूखा हुआ पल्प है, इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा जूस नहीं जा रहा है। साथ ही साथ ये साबुत सीड्स को अलग कर देता है, कोई भी सीड जूस के अंदर पिसता नहीं है। बहुत अच्छी क्वालिटी का जूस यहाँ हमें मिल जाता है। मैंने संतरे का जूस भी निकाल के देखा, वो भी प्रॉपर तरीके से निकल रहा है।